कहिए बेटे, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। अच्छा, और मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि मेरी जितनी भी उम्र बची है पूरी उम्र भर में आपकी ही सेवा करता रहूं और उस ब्रह्म का मिलन करता रहूं। गुरुजी कहिए पूर्णमल, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हाँ। कि आपकी जो अवस्था है वो अभी माँ बाप से दूर रहने की अवस्था नहीं है। आपके साथ जो भी हुआ है माँ बाप की बात का कोई बुरा नहीं मानते हैं, आप अपने घर जाइए। गुरुजी आप उस माँ की बात कर रहे हो जिसकी करतूत के कारण मेरा ये जीवन नष्ट हो गया, मैं उस घर के अंदर कभी नहीं जाना चाहता। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं? मैं केवल भजन करना चाहता हूँ, उस परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता हूँ और गुरुजी केवल आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, इतनी आपसे निवेदन करता हूँ। अपनी बात कहिए, सुनिए, कहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, बहुत अच्छे ए मने और कोई हिला ए ना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। ओ भजन करो और हर गुरु की सेवा और कोई लाना चाहिए, लाना चाहिए। पूर्ण मल घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। फकीर वाने का नेम, फकीर वाने का और लई फकीरी, फिर क्या मतलब अपने और फिराने का, फिराने का। सबका भला फकीर करे मारा। अच्छा, काम हरि गुण गाने का, काम हरि गुण गाने का। सपुत्र उड़े ऊट मट्टी लाना चाहिए, ऊट मट्टी लाना चाहिए। मुझे कत्ल करके इस कुएं के अंदर डाल दिया है। हाँ। और जब आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार ही कर लिया है। हाँ। आपने मुझे अपना यदि चेला ही बना लिया है तो गुरुजी मैं तो इस फकीरी बाने में ही रहना चाहता हूँ। अच्छा। केवल साधु बाने में ही रहना चाहता हूँ, घर नहीं बसाना चाहता। अपनी बात कहिए। सुनिए गुरुजी, एक करे कर्म का दंड मिले, एक करे कर्म
पर साफ लिखे वर साफ लिखे वेद शास्त्र धर्म का रसता लिखे जो ईश्वर आप लिखे लिखे जो ईश्वर आप लिखे हर धर्म राज्य से पर का नजर मिसल को नहीं खिलाफ लिखे वो खिलाफ लिखे ऐसी हो करमात संत में जो खतावार ने भी माफ लिखे खतावार ने भी माफ लिखे जिसमें बेटे का खून पके जिसमें बेटे का खून पके वो पाप पतीला ना चाहिए वो ना चाहिए साधु सेवक साहूकार का सूत मनी लना चाहिए सुहनसी लना चाहिए मैंने अपने पिताजी को क्या क्या विश्वास नहीं दिलाया हाँ। मैंने उनकी सौगंध भी खाई कि पिताजी मैं निर्दोष नहीं हूँ मैंने कोई भी गलती नहीं की है लेकिन एक औरत की वजह से एक दूसरी पत्नी की वजह से मेरे पिताजी ने मुझे देश निकाला दे दिया और जल्लादों के हाथों सौंप दिया इसलिए मैं उस घर की तरफ अब आंख उठा करके मैं नहीं देख सकता ऐसी गलती हो जाती है लेकिन आखिर जो आपको देश निकाला दिया है वो आपके पिता हैं आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए ये अवस्था आपकी भजन करने की अभी नहीं है अभी आप जाकर अपने माता पिता के पास रहिए तो गुरुजी मेरे कुछ प्रश्न हैं आप उनका भी जवाब दीजिए कहिए अपने प्रश्न कैसे बदल गया होगा ढल के जो बन का पानी ढल के जो बन का पानी मैं जान गया वो जी मेरे की ईब तलक को ना जानी को ना जानी सत बुरा न मान्या करते सहजा भली बुरी वाणी सहजा भली बुरी वाणी दोष बाग में फूल मली लना चाहिए फूल मली लना चाहिए हम भजन करूं यार गुरु की सेवा और कोई लाना चाहिए लाना चाहिए पूरण मल घर अपने माँ बाप का गिल्ला ना चाहिए माँ बाप का गिल्ला ना चाहिए करे सब काम बने ना देर लगे काम बने ना देर लगे फिर साल कोट में ना जाऊंगा ना अच्छी ममता मेरे लगे
का जब तेरे नाद में तेर लगे, तेरे नाद में तेर लगे। रघुनाथ ज्ञान की खातिर कच्चा चेला ना चाहिए, ना चाहिए हो लहदारी का बेताल सुरीला ना चाहिए, बेताल सुरीला ना चाहिए। ये माता जनक करू और राकुरू की सेवा मन और कोई हिला ना चाहिए, ना चाहिए चापूर बल घर अपने माँ बाप का गिला ना चाहिए, माँ बाप का गिला ना चाहिए।